to sleep at night. Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried to cross this great divide. Your feelings come and go, but I still love you so. There is nothing I won't do to make this dream come true. Chalo, bye. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. 9:22 हो रहे सुबह के और रिशु और रितु दोनों हॉस्पिटल गए हैं. मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि दो से ज्यादा लोग जाना ठीक भी नहीं है और मेरा ऑफिस का काम भी है, इसलिए भी नहीं गई. और उनके लिए दोपहर में लंच भी बनाना है कि अगर कोई घर पे नहीं हुआ तो फिर उनके लिए लंच कौन बनाएगा. मॉर्निंग में पोहा बनाकर दे दिया है तो खाकर भी गए हैं और लंच में भी लेकर गए हैं. अगर इन केस वो लेट हो जाते हैं तो वहाँ खा लेंगे. तो चलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है. और सुबह आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी क्योंकि इनको जल्दी जाना था हॉस्पिटल. तो अभी मैं किचन में हूँ गाइज और लंच बना रही हूँ. लंच में आलू भिंडी बना रही हूँ. यहाँ पे दाल बनाया है, ऑलरेडी दाल सीटी दे दिया है. तो इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करूंगी. तब तक रिशु रितु भी आ ही जाएंगे और टाइम हो रहा है अभी 11:15 हो रहा है अभी. तो चलिए मैं फटाफट इसको बनाकर फ्री होती हूँ. तो अभी 11 बज रहे हैं. चलिए फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ ऑफिस का. रितु का भी फोन आया था कि हॉस्पिटल से वो लोग निकल गए हैं, रास्ते में हैं. और रिशु को लंच में रोटी भी चाहिए खाने के लिए. तो मैं रोटी बनाने आई हूँ किचन में. अभी काम कर रही थी ऑफिस का. अभी ये लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं. रिशु नहा रहा है अभी, तो वेट कर रही नहाने के लिए. बाहर गए थे ना नाना. नाना बहुत जरूरी कुछ बोल रही है, बताओ. बहुत टायर्ड हो गई हूँ मैं. और क्या हुआ हॉस्पिटल में? अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है. फीलिंग सो टायर्ड. आपको चेहरे से ही लग रहा होगा देख करके. मरीज की तरह ही लगेगा ना. बाकी देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है. डॉक्टर ने बोला आफ्टर 1 वीक मुझे कंसल्ट करने के लिए. ठीक है, इनको बताओ कि तुमको कोरोना नहीं है. तुम्हें कोई और नहीं? मुझे कोरोना तो नहीं है, मुझे पेट की प्रॉब्लम है कुछ. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. कितने दिन बाद आएगी रिपोर्ट? 1 वीक. 1 वीक के बाद रिपोर्ट आएगी. और 4 दिन बाद फिर बुलाया सीटी स्कैन करने के लिए. तो होपफुली सब ठीक हो, रिपोर्ट नॉर्मल ही आए, हम तो यही चाहेंगे. अभी 4:30 हो रहा है, सो के उठे हैं हम लोग. खाना खा के सो गए थे सब. और इंटरनेट भी नहीं चल रहा जिसकी वजह से मैं ऑफिस का काम नहीं कर पा रही हूँ. अभी फिर से मुझे करना है, वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे. चाय पीना है अभी मुझे. और रितु को चाय मना कर दिया है डॉक्टर ने अभी पीने से. तो पापा को फोन लगा के पूछ रही है कि पापा चाय पी लूं. क्या हुआ? पूछा पापा? वो हमको चाय मना किया पीने के लिए, आदत अब भी नहीं.
पापा ने मना कर दिया रितु को चाय नहीं पीना है, तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। इसको लालच आ रहा है, कह रही मुझे भी चाय पीना है। पापा ने चाय पीने से मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। थोड़ी सी तो पी सकते हैं। नहीं, डॉक्टर ने मना किया। अपना हाथ दिखाओ, खून निकाल रही है। ये बहुत दुखा, इसके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं जिसकी वजह से ये यहाँ से ब्लड निकाला गया है। तो अभी 6:30 हो रहा है और इंटरनेट नहीं चल रहा था जिसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा था ऑफिस का। लेट हो गया आज काम करने में, तो मैंने आज रितु की हेल्प ली अपने ऑफिस का काम करने के लिए। तो रितु यहाँ हेल्प कर रही है लैपटॉप लेके बैठी। सारा काम करा रही हूँ मैं इसका, और ये मुझे सैलरी भी नहीं दे रही है, कह रही सैलरी को दूँ। भैया अब सैलरी कैसे डिवाइड करेंगे हम, बताओ। करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं खाना वाना भी तो बना रही हूँ, यहाँ उतनी दूर से आई हूँ, तुमको हेल्प की हूँ, खाना बना रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ तुम्हारा, बताओ। थोड़ा सा इतनी सी थोड़ा सा काम किया और सैलरी चाहिए मुझे, बड़ा बिल्कुल चाहिए। अच्छा जी, चलो काम करो। मैं यार राइस ट्राई कर रही हूँ, राइस मैं बना रही हूँ। मटर, अरे प्याज नहीं, प्याज ट्राई कर रहा हूँ। प्याज है, पापा का फोन होगा। साढ़े 8 हो रहे हैं, हमने डिनर कर लिया है, अब ऊपर जा रहे हैं वॉक करने के लिए। इधर रितु आ रही है, लाइट नहीं है ऊपर, तो ये पीछे बीमार इंसान आते हुए। और बहुत है नीचे, हवा अच्छी चल रही है ऊपर। दिस इज प्योर वॉश एंटी बैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर, आप सबको यूज करना चाहिए। बहुत ही प्यारा चांद निकला है आज, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा आपको क्लियर, बट बहुत ही प्यारा, वो बहुत ही प्यारा है। हे गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा ये ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। बोलना था ना, तब तक के लिए बाय ऐसे। ओके।